नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 17 मार्च गुरुवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लैब असिस्टेंट भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी है। यह भर्ती कुल 1012 पोस्ट पर होगी, जिनमें जूनियर लैब असिस्टेंट की 48 पोस्ट भी शामिल हैं। 735 पोस्ट गैर अनुसूचित क्षेत्र और 270 पोस्ट अनुसूचित क्षेत्र के लिए होंगी। लैब असिस्टेंट ज्वाइंट डायरेक्टर रिक्रूटमेंट 2022 एग्जाम के आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। अभ्यर्थी अपनी आईडी के माध्यम से अप्लाई करना होगा। इसके लिए 25 मार्च से 23 अप्रैल को रात 12 बजे से पहले तक आवेदन फॉर्म ऑनलाइन बोर्ड की वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं। परीक्षा 28 और 29 जून 2022 को अलॉट किए गए परीक्षा केंद्रों पर होगी। सभी पदों के लिए संबंधित सब्जेक्ट में 12वीं पास होने के साथ ही हिंदी में काम करने की नॉलेज और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना जरूरी है। अलवर जिले के बहरूर थाना क्षेत्र के बरडौड़ में बैरूजाट मोहल्ले के समीप एक कॉलोनी में कलयुगी बेटे के सर पर इस कदर खून सवार हुआ कि उसने जन्म देने वाले पिता को ही मौत के घाट उतार दिया। हल्के विवाद में नशेड़ी पुत्र ने पिता की लाठी डंडों से निमर्म पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल को परिजन अस्पताल लेकर गए, जहां उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के पुत्र को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बताया कि बरडौड़ निवासी महिला प्रजापत कि अपने पिता दीपचंद वर्मा से आपसी कहासुनी हुई, जिसके बाद नशेड़ी पुत्र महिपाल ने लाठी डंडों से पिता पर निमर्म तरीके से प्रहार कर उसके मुंह और सिर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। राजधानी जयपुर में बिटकॉइन की तरह नई करेंसी में निवेश कराने के नाम पर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। आरोपी ने निवेशकों को बिटकॉइन की तरह नए कॉइन के बाजार में आने और उसके रेट बढ़कर $236 होने की बात कहते हुए निवेश कराया। निवेशकों को 2 महीने तक प्रॉफिट के नाम पर कुछ रकम दी, लेकिन इसके बाद रुपये देना बंद कर दिया। बाद में पता चला कि अलग अलग निवेशकों से 6 महीने में 1,85,00,000 रुपये की ठगी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम में 8 से ज़्यादा लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया है। छोटवाड़ा थाना पुलिस के मुताबिक चोमू निवासी विक्रम सिंह की रिपोर्ट पर 6 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चूरू जिले के सुजानगढ़ थाना क्षेत्र में होली के दिन दिल दहला देने वाली वारदात में एक पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से गला काटकर क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी। हत्या के बाद पति ने खुद को फांसी लगा ली। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव अपने कब्जे में ले लिए हैं। शवों को स्थानीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। इस संबंध में मृतका के भाई ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उसका जीजा आदतन शराबी था, इस कारण उसने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस के अनुसार वारदात सुजानगढ़ इलाके के बड़ाबर गाँव में हुई है। ढाणी में भागूराम मेघवाल ने अपनी पत्नी विमला देवी का कुल्हाड़ी से गला काट दिया, इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद भागूराम ने घटनास्थल से करीब 200 मीटर दूर स्थित खेजड़ी के पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दो बहनों की शादी की खुशियों में उस समय खलल पड़ गया जब दोनों बहनों की तीसरी नाबालिग बहन को एक युवक घर से बहला फुसलाकर भगा ले गया। साथ ही घर में रखी नकदी और शादी में दिए जाने वाले जेवरात भी साथ ले गया। मामला हनुमानगढ़ जिले के भादरा पुलिस थाना क्षेत्र के एक गांव का है। पुलिस ने बताया कि एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज करवाया है कि उसकी दो पुत्रियों की शादी का कार्यक्रम तय है। उसकी दो पुत्रियां जिनकी शादी है, वह और उनकी तीसरी नाबालिग पुत्री एक कमरे में सो गई। उस कमरे में शादी में काम लेने के लिए 93,000 रुपये नकद और उसकी पुत्रियों को शादी में दिए जाने वाले जेवरात रखे हुए थे। तभी आरोपी पवन नामक युवक घर आया और उसकी नाबालिग पुत्री को भगा कर ले गया। उसकी पुत्री जाते समय नकदी और जेवर भी साथ ले गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। करौली जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के मेला मैदान के समीप एक व्यापारी की लाठी सरियों से पीट पीट कर हत्या कर दिए जाने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान गणेश गुप्ता निवासी कोटा के महोली गांव के रूप में हुई है। मृतक ने मेला मैदान में चल रहे मेले में अपनी दुकान लगाई थी। मृतक घर से नौकरी के लिए खाना ले जा रहा था, इसी दौरान ही यह वारदात हुई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उदयपुर जिले के सुखेड़ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पत्नी की हत्या कर शव को फेंकने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी पति से पूछताछ कर रही है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि कविता निवासी हीरालाल का पत्नी सुशीला के बीच घरेलू विवाद बात को लेकर चल रहा था। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आवेश में आकर हीरालाल ने अपनी पत्नी सुशीला के सिर पर लोहे की रॉड से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपी पति ने इस पूरी हत्याकांड को हादसे का रूप देने का प्रयास किया और अपनी पत्नी के शव को लारी में डालकर कविता पुलिया के पास पहुंचा, जहां उसने शव को पुलिया के नीचे
नीचे फेंक दिया। इसके बाद आरोपी ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों को फोन करके बताया कि सुशीला की लाश कविता पुलिया के नीचे पड़ी है। शक होने पर पुलिस ने पति से पूछताछ की तो पति ने सब उगल दिया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। बाड़मेर जिले के बालोतरा थाना क्षेत्र के मुंगड़ा बिठूजा सड़क किनारे शत विक्षत हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि शत विक्षत हालत में एक युवक का शव मिला है। मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने बताया कि युवक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। युवक की हत्या कर शव यहाँ फेंका गया है या फिर युवक ने खुद आत्महत्या की है, इसकी जाँच की जा रही है। जयपुर जिले के कोटपुतली में शाहपुरा थाना पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर रुपए निकालने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुखिया सरगना समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी विकास जाट हरियाणा के टप्पा हवेली सुरकपुरा और शाकिब खान हरियाणा के धिरनकी गांव का रहने वाला है। गिरफ्तार आरोपी शातिर किस्म के बदमाश हैं और इन्होंने एक दर्जन से ज़्यादा इलाकों में वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने बताया कि मोहनलाल बुनकर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वो ICICI बैंक के ATM से रुपए निकलवाने आया था। इस दौरान मशीन से रुपए नहीं निकलने पर पीछे खड़े एक युवक ने उसे दोबारा कार्ड लगाकर चेक करने को कहा। मौका देकर युवक ने उसका कार्ड बदल लिया और उसके खाते से 1,02,500 रुपए निकाल लिए। जयपुर जिले के करदनी थाना क्षेत्र में 7 वर्षीय मासूम से अश्लील हरकतें करने का मामला सामने आया है। मासूम ने अपनी मां को रोते हुए पूरी बात बताई। मासूम की बात सुनकर परिजनों के होश उड़ गए, जिसके बाद मां मासूम को लेकर थाने पहुंची और रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने बताया कि पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए मासूम के 65 वर्षीय मुंह बोले नाना के खिलाफ मासूम से अश्लील हरकत करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।